साथियों, मुझे 75 वर्ष जब देश हमारी आजादी के मनाएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी उस दिन उदास रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि 2022 में जब स्वाधीनता दिवस मनाए तो उस समय हर भारतीय के पास घर हो, तो इस झूठ की गठरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा। देश में इस बार 14 जनवरी के पहले, मकर संक्रांति के पहले ही रेवड़ियों की चर्चा बहुत हो रही है, पर समस्या ये है कि देश के लोगों को और देश की सरकार को मुफ्त की रेवड़ियां तो दिखती है, पर जो मुफ्त की गजक बट रही है वो किसी को नहीं दिख रही। अब आप कहेंगे साहब, रेवड़ी और गजक में क्या अंतर है? देखिए, रेवड़ी बनती है गुड़, चाशनी, तिल और घी के मिश्रण से। अब उस एक मिश्रण में जिसमें एक डला अगर गजक बनती है, उसमें सैकड़ों रेवड़ियां बन जाती है। तो यदि मुफ्त की रेवड़ियां खराब है तो मोदी जी, मुफ्त की गजक अच्छी कैसे हो गई? और दूसरी सवाल यह है कि देश को रेवड़ी कल्चर नहीं, झूठ की गठरी कल्चर से मुक्त कराना है। और आज पूरा डाटा सहित ये बातें जो मैंने आपको कही कि मुफ्त की रेवड़ियां खराब, मुफ्त की गजक अच्छी, रेवड़ियां खराब पर झूठ की गठरी कल्चर अच्छी, ये पूरे इश्यू पे आज हम बात करेंगे। साथियों, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया और उसी का आधार बनाकर कोरोना के आपदा के समय भारत सरकार ने लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को उससे लाभ मिला, मतलब 60% देश की जनता को राशन पहुंचाने का काम फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यूपीए के दौरान जो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना उसका बेस बना के वो राशन पहुंचाने का काम हुआ। अब इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में एक तरफ तो आप राशन दे रहे हो आपदा के समय, दूसरी तरफ उस राशन को आप एमएसपी पर किसानों से खरीद रहे हो, वो तो हो गई रेवड़ी कल्चर। पर 10 लाख करोड़ का लोन बट्टे खाते में डालना, उस गजक कल्चर पे प्रधानमंत्री जी कब डिस्कशन होगा? आप कहेंगे सर, बट्टे खाते में डालना और लोन माफी में अंतर होता है। बहुत सही सवाल है, बट्टे खाते में डालना अलग बात होती है, ऋण माफी अलग होती है, राइट ऑफ्स एंड वेवर्स आर डिफरेंट। पर अभी संसद में सरकार ने स्वयं ने बताया कि पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाला, जिसमें 7,27,000 करोड़ का लोन सरकारी बैंकों ने बट्टे खाते में डाला, और उसी 5 सालों में सरकारी बैंकों ने उस बट्टे खाते में डाले गए लोन में से मात्र 1,03,000 करोड़ रिकवर किया। तो 7,27,000 में से 1,03,000 करोड़ रिकवर हुआ, अर्थात जितना सरकारी बैंकों ने बट्टे खाते में डाला, रिकवरी मात्र 14% हुई। मान लेते हैं 6% और वो रिकवरी कर लेंगे आने वाले समय में, मैं मान लेता हूं 20% रिकवरी हो जाएगी, तो भी 5,80,000 करोड़ रुपए का लोन तो डूब गया ना। और वो लोन का पैसा जब सरकारी बैंकों का डूबा तो किसका डूबा? हर उस करदाता का डूबा जिसने भारत सरकार को समय पर जीएसटी दिया, हर उस किसान का डूबा जब उसने डीजल में पेट्रोल भरवा, अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाया तो भारत सरकार को एक्साइज ड्यूटी का पैसा दिया। वो जो बट्टे खाते में 5,80,000 करोड़ रुपया सरकारी बैंकों का डूबा है, उस गजक के बारे में डिस्कशन कब होगा प्रधानमंत्री जी? आपको तकलीफ ये हो रही है कि किसान से एमएसपी पे नहीं खरीदना जाना चाहिए क्योंकि वो मुफ्त की रेवड़ी है। तकलीफ ये है कि आपदा के समय लोगों को फ्री राशन पहुंचाना नहीं, बंद करना है क्योंकि वो मुफ्त की रेवड़ी है। पर ये 5,80,000 करोड़ जो सरकारी बैंकों का पिछले 5 साल में डूबा, उस मुफ्त की गजक का हिसाब कौन देगा? दूसरा एक और उदाहरण देता हूं आपके सामने, मनरेगा 2005 में एक्ट लाकर
ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी का एक्ट यूपीए की सरकार ने उसको पास कराया और उस मनरेगा से लोगों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी हुआ। मनरेगा मुफ्त की रेवड़ी है, पर 2019 में जब कॉरपोरेट टैक्स की रेट्स को कट किया गया, जिसके कारण प्रतिवर्ष भारत सरकार को 1,45,000 करोड़ का नुकसान है, उस मुफ्त की गजब के बारे में कोई डिबेट नहीं, कोई डेलिब्रेशन नहीं। क्यों मोदी जी, ऐसा क्या रिश्ता है आपका उनसे, गजब खाने वाले लोगों से, कि जिन 2019 में कोरोना के पहले भारत सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की जो रेट थी उनको कम किया और उस कमी से सिर्फ देश के 1% कॉरपोरेट्स को फायदा मिला, उस कमी के कारण देश की सरकार को प्रतिवर्ष 1,45,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उस मुफ्त की गजब के बारे में हिसाब कौन देगा। मिड डे मील जिसमें 12 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता है वो मुफ्त की रेवड़ी है, पर ये 1,45,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार ने फॉरगो कर दिया, उस मुफ्त की गजक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। तो मुफ्त की रेवड़ी खराब, तो ये मुफ्त की गजकों को कब रोकोगे। फिर तीसरी बात कि रेवड़ी कल्चर से ज्यादा झूठ की गठरी कल्चर से देश ज्यादा परेशान है और झूठ की गठरी कल्चर से मुक्त कराना देश को बहुत जरूरी है। साथियों, 2 दिन बाद हम भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष मनाएंगे, 2 दिन बचे हैं, आज 12 है, 13 और 14, 15 को हम 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। साथियों, मुझे 75 वर्ष जब देश हमारी आजादी के मनाएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी उस दिन उदास रहेंगे, आप पूछेंगे प्रधानमंत्री जी उदास क्यों रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि 2022 में जब स्वाधीनता दिवस मनाए तो उस समय हर भारतीय के पास घर हो, तो इस झूठ की गठरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाए, उस झूठ की गठरी कल्चर से कब मुक्त होगा देश। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में अहमदाबाद से बंबई के बीच बुलेट ट्रेन में हम लोग सफर करें, उस मुफ्त की गठरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाए, उस मुफ्त की गठरी कल्चर से कब मुक्ति होगी। मैं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके इतने सपने पूरे नहीं होंगे, आप कितना उदास होंगे, और जब मेरे देश का प्रधानमंत्री उदास होगा तो मैं भी उदास होऊंगा, क्योंकि उनके सपने पूरे नहीं हो रहे जो 2022 में उन्होंने देश को बताए थे, हर भारतीय को घर, पक्का घर, बुलेट ट्रेनों में हम सब लोग घूम रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, किसानों की आय डबल हो चुकी है, इनमें से एक भी सपना प्रधानमंत्री जी आपका पूरा नहीं हुआ, तो इस झूठ की गठरी कल्चर से आप देश को कब मुक्त कराएंगे। इस बाबत हमारे 5 स्पेसिफिक सवाल है। पहला, फ्रीबीज के बारे में, मुफ्त की रेवड़ी के बारे में सब तरफ हल्ला गुल्ला, पर प्रधानमंत्री जी जो पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों के 5,80,000 करोड़ रुपए डूबे हैं बट्टे खाते में डालने के कारण, उसके बारे में संसद में चर्चा कब होगी, उसके बारे में वित्त मंत्री व्हाइट पेपर कब निकालेगी, और वो कौन लोग हैं प्रधानमंत्री जी जो जिनके 5,80,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं, उन सबका विवरण देश के सामने आप कब रखोगे। सवाल नंबर 2, यदि किसानों को MSP देना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी के लिए, मनरेगा में हर रूरल ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी की नजरों में, बच्चों को, 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन कराना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी की नजरों में, मुफ्त राशन देना कोरोना आपदा के दौरान राइट टू फूड और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, वो मुफ्त की रेवड़ी है,
तो ये 1,45,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार को हानि होती है, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स की रेट्स में कटौती की गई 2019 में। इस हानि पर कब चर्चा होगी, इस गजट पे कब चर्चा होगी? सवाल नंबर 3, छोटी छोटी असिस्टेंस देना देश के लोगों को, देश के लोगों का मुसीबत के समय हाथ पकड़ना मुफ्त की रेवड़ी है, पर लाखों करोड़ों रुपए के लोन, 5,80,000 करोड़ का लोन जो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, जिसको बैंक वापस कलेक्ट नहीं कर पाई बट्टे खाते में डालने के बाद, उसके बारे में विवश कब होगा? सवाल नंबर 4, कब और कैसे ये झूठ की गठरी, ये रेवड़ी कल्चर तो प्रधानमंत्री जी बाद में आएगी, पर ये झूठ की गठरी कल्चर से कब देश को निदान मिलेगा? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि क्या प्रधानमंत्री जी अब स्वाधीनता दिवस पे अपने भाषण में ये जो बुलेट ट्रेन, $5 trillion की इकोनॉमी, किसानों की आय दोगुनी करना, हर हिंदुस्तानी को पक्का घर, इसकी नई डेडलाइन आएगी क्या? क्योंकि अब ये 2022 तो आ गया प्रधानमंत्री जी, इसकी नई डेडलाइंस आप क्या घोषित करोगे? और आपके सपने अगर पूरे नहीं होते हैं तो हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के सपने पूरे नहीं होते। मेरे प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं हो रहा, वो कितना गमगीन और कितने उदास होंगे 15 अगस्त के दिन इसके कारण। तो मैं चाहूँगा कि क्या वो नई डेडलाइन आपके सपनों की आप नई डेडलाइन देने वाले हो? ये हमारे 5 प्रश्न और डिमांड्स है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।